एंड्रॉयड, iOS ये सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, या फिर आगे चल के मोबाइल फोन के अंदर आपको एप्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यार ये सोच के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जो फ्यूचर होने वाला है ओएस का, वो यहाँ पे बदलने वाला है। जिस तरीके से हम और आप एक मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर देते हैं, ये बदलने वाला है। और हाँ, हो सकता है कि जो एप्लीकेशन जिनका आप यूज करते हो, ये सब कुछ सालों के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो 20 साल के बाद एक कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यानी कि 20 इयर्स पहले हम फीचर फोन से स्मार्टफोन के ऊपर मूव ऑन कर रहे थे। तब एप्पल का आईफोन आ रहा था, एंड्रॉइड डेवलप हो रहा था, और वैसा ही एक केस हम आज दोबारा से देख रहे हैं 2025 में। और इन सब की एक झलक बहुत इंटरेस्टिंग मिली है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक AI पावर्ड OS की, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टोटली AI के साथ रहेगा। और हाँ, हम लोगों ने इस तरीके के कॉन्सेप्ट पहले भी सुने हैं जहाँ पे स्मार्टफोन किलर इनके रूप में बात हो रही थी, लेकिन शायद जिस तरीके से हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसका डायरेक्शन पूरी तरीके से बदल सकता है। सबसे पहले आपको एक बात समझाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली में AI एजेंट्स के बारे में। हाल ही में OpenAI का डेम डे था, कुछ ही हफ्ते पहले, जिसके अंदर उन्होंने ChatGPT का एक शोकेस किया था, जिसके अंदर AI एजेंट्स है, जिसके अंदर डेवलपर अपने AI एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और ChatGPT के अंदर वो चीजें एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि अगर आपको कोई ट्रेन का टिकट बुक करना है, कोई बस टिकट बुक करना है, कोई फ्लाइट का टिकट बुक करना है, होटल बुकिंग करनी है, इसके लिए बस ChatGPT को सिर्फ कमांड देनी है और ऑटोमेटिकली ये सारे काम यहाँ पे कर देगा। यानी कि आपकी पेमेंट भी कर देगा अगर आपने उसे UPI का एक्सेस दे रखा है तो। यानी कि पहले क्या होता था कि आपको पहले क्या ऐप ढूंढनी पड़ती थी, उस ऐप के अंदर लॉग इन करना पड़ता था, फिर वहां पे ऐप को अंदर आपको सर्च करना पड़ता था कि कौन सी जगह जाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट डील कौन सी रहेगी, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा थे, और यही जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ये आज के समय में AI कर रहा है। और ऐसा ही जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं तो बोल रहा हूँ अभी सिर्फ क्लाउड साइड में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें आपके मोबाइल फोन के अंदर ही होने लगेंगी। यानी कि ऑन डिवाइस AI का ऐसा यूज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा AI के थ्रू रन करेगा, और कोई भी जो काम अगर आप करना चाहते हो वो आपके मोबाइल फोन के अंदर ही होगा, उसके लिए डेटा बाहर भेजने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि ऐप को खोलना है, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे फॉर्म भरना है, सारी चीजें AI खुद कर देगा, और ये इस लेवल पे कर देगा जिसमें आपको बिल्कुल 100% ट्रस्ट आप इस पे कर सकते हो, और सिर्फ अपना फिंगरप्रिंट लगा के उसे ऑथराइज करना है कि पेमेंट कर दे, और उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर देगा। यानी कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो छोटी छोटी एप्स का जो काम रहता है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे कर देगा। लेकिन अब एक सवाल आएगा, इस तरीके की चीजें पहले भी तो एग्जिस्ट करती थी। याद है एलेक्सा का यूज करके कितने लोगों ने अमेज़न के अंदर शॉपिंग करी होगी। अमेज़न एक ऐसी चीज थी जहाँ पे शॉपिंग के अंदर यहाँ पे लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन आज भी वेबसाइट ऐप का यूज करते हैं, जो स्पीकर आता है को उसका यूज करके शॉपिंग ऑलमोस्ट कोई करता नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम बताऊं क्या थी, लोगों का भरोसा नहीं था कि सही चीज ऑर्डर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी, कई सारी चीजें रहेगी, क्योंकि सब आप बोल के काम कर रहे हो, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो। लेकिन यही जो एजेंटिक AI जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जब मोबाइल फोन में जब आ जाएगी ना, तब आप उससे बात करके ये पता लगा लोगे कि एग्जैक्टली में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या चीजें, और उसको सिर्फ बोल के भी ऑपरेट कर पाओगे और सिर्फ कुछ क्लिक्स भी कर पाओगे। यानी कि उसके साथ आप टाइप करके भी बात कर सकते हो और उसके साथ बोल के भी बात कर सकते हो, और ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले दिखाया था ह्यूमन जैसी कंपनी ने अपने AI पिन के अंदर, की AI पिन पहन के काम करना है और सारे के सारे काम AI पिन खुद कर देगा। सेम चीज रैबिट R1 ने भी दिखाई थी यहाँ पे, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके नहीं चले। फंडामेंटल चीज बताऊं क्या थी, हार्डवेयर तैयार नहीं था उस लेवल का, और वो लोग अपने समय से बहुत ज्यादा पहले के थे, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से इंडस्ट्री रीइन्वेंट कर रहे थे, लेकिन बैकएंड उनका बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं 2025 में, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना बैकएंड बहुत स्ट्रांग कर लिया। जैसे कि आप OpenAI के ChatGPT का एग्जांपल ले लेते हो, वो चीजें इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है ताकि लोग AI के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाय करें, और जो रेगुलर टास्क और जो मैनुअल वर्क होता था उसको वो ChatGPT से रिप्लेस कर दे। ये OpenAI लगा हुआ है, और इसीलिए Perplexity हो गया, OpenAI हो गया, ये लोग अपने ब्राउजर निकाल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राउजर में अगर लोग घुसेंगे तो उनकी सर्विस का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, और यहाँ पे जो गूगल के ऊपर
डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी। ये बात चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से पता है, ओपन एआई को पता है, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आने वाला फ्यूचर में उन्हें अपना एक हार्डवेयर प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। इसीलिए एआई पेन आई थी ना, वैसे सुनने में आया कि एक नया प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं आयो कंपनी के अंदर, जिसके अंदर जॉनी एव जो ओरिजिनल आईफोन के डिजाइनर, आईपैड के डिजाइनर, आई मैक और मैकबुक के डिजाइनर थे, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये एक नई कंपनी फॉर्म करी आयो और उसका प्रोडक्ट निकालने वाले। हालांकि प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम अगले साल ही बता पाएंगे। इस साल इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता चला है कि ये कंपनी किसी प्रोडक्ट पर काम कर रही है और वो इनसे अभी बन भी नहीं रहा। फन फैक्ट की बात तो यही है। लेकिन बात करें तो मोबाइल फोन कंपनीज ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर चुके। अगर हम लोग बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आज के समय का सबसे पावरफुल चिप है और उस चिप में फीचर दिया गया एआई का कि एआई इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। और बात करें तो एजेंटिक एआई का डेमो खुद क्वालकॉम ने दिया है यहाँ पे 8 एलीट जेन 5 के अंदर, जहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल इंटरेक्ट करना है, लेकिन ऐप के साथ वो समझेगा कि उसका लेआउट का है, कहाँ कौन सा बटन है, किधर क्लिक करना है, सारी चीजें एआई खुद देख लेगा, डिसाइड करेगा और आपके मोबाइल फोन के अंदर ही सारे एआई के काम कर देगा। कहने का मतलब है कि अभी जो काम हम लोग जिसके लिए रिलाय कर रहे किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे, चाहे परप्लेक्सिटी को या ओपन एआई का चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए जो मॉडल रहता है वो थर्ड पार्टी सर्वर पे रन करता है और आपका डेटा बाहर जा रहा है, तो ये प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। फ्यूचर में इस तरीके के डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल फोन में ही सारी चीजें सेव रहेंगी, आपकी पेमेंट डिटेल, बायोमेट्रिक, सारी चीजें मोबाइल फोन में रहेंगी और कौन सी ऐप किधर डाउनलोड करनी है, किस वेबसाइट पे क्या चीज, सारी चीजें एआई खुद ब खुद यहाँ पे कर देगा। और उसके लिए आपको एक पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत है। देखो, जब भी एक नया सीपीयू अनाउंस होता है तो हम बात करते हैं इसकी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, लेकिन घूम फिर के बात ही आती है कि रियल वर्ल्ड में कुछ पता चलता नहीं है। आपको वही चार ऐप चलानी है, वही चार ऐप उसमें चलेंगी अच्छे तरीके से और आपको कोई खास फर्क दिखेगा नहीं। हालांकि गेम वगैरह खेलोगे तो थोड़े बहुत FPS वगैरह बढ़ जाएंगे। तो सवाल अक्सर यही आता था कि यार इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस तो बढ़ती जा रही है लेकिन इसका यूज केस नहीं है। यूज केस अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और उस यूज केस में क्या है, जो NPU के अंदर जो टॉप्स होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा ताकि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर वो सारे काम कर पाओ, यानी AI पूरी तरीके से चला पाओ और AI आपके बिहाफ पे वो सारे काम कर ले जिसके लिए आपको मोबाइल फोन उठाने की जरूरत कम से कम पड़े और सारी चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक टास्क पे हो जाए। वो ये देख ले कि आपके यहाँ कौन सी चीज सही है, कौन सा प्रोडक्ट किस ऐप के ऊपर सबसे सस्ता मिल रहा है, कौन सी चीज प्रोडक्ट किसकी क्वालिटी कैसे, इसके रिव्यूज कैसे हैं, बैक एंड में सारी चीजें जो आप एक मोबाइल फोन के अंदर करने वाले हो सारी चीजें कर ले AI और आपको एक परफेक्ट रिजल्ट बता दे और बोल दे कि ये चीज आपके लिए ठीक है और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो एक क्लिक करके पेमेंट अथोराइज करके आप यहाँ पे कर दो। क्योंकि आज के समय में UPI पेमेंट सब फिंगरप्रिंट के साथ भी होने लगेंगी, जिस वजह से ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए अभी जो प्रोसेसर चाहिए वो अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी जो हार्डवेयर होता है उसको और रेडी होने में टाइम लगेगा और हम लोग एक AI पावर्ड OS, फुल फ्लैश्ड AI पावर्ड OS से अभी थोड़े से दूर है, कम से कम 2 साल। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2027 तक इसके दर्शन हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और जिस मोबाइल फोन में चलेगा ना, समझ के रखना उसके अंदर 24GB 32GB जो रैम रहेगी ना, ये भी कोई मतलब की नहीं रहेगी, इससे ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि हम इतने इंटेंसिव टास्क की बात कर रहे हैं, जो एक सर्वर पे होता है वो मोबाइल फोन पे लाना वो एक चैलेंज है। और हम मोबाइल फोन में जो नेक्स्ट लेवल का जो इनोवेशन आ रहा है ना, वो यही लेकर आएगा कि ऐसा नहीं होगा मोबाइल में पीछे का डिजाइन चेंज हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, नहीं, हार्डवेयर फॉर्म फैक्टर के रूप में देखने, डिजाइन और लुक्स में इतने बड़े चेंजेस नहीं होंगे। जो चेंज होगा वो इंटरनल कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर में होगा। इंटरनल यानी कि चिप ज्यादा बेटर होगी, बेटर कूलिंग के साथ आएगी, ज्यादा रैम होगी, इवन ज्यादा स्टोरेज होगी और नेक्स्ट लेवल की UFS 5 स्टोरेज भी इसी के लिए ही बनाई जा रही है ताकि जो लोकल मॉडल्स होते हैं वो फास्ट रन किए जा सके। यही एक फ्यूचर होने वाला है। और इसके साथ ही AI पावर्ड OS जब आएगा तो वो एक देखने वाली बात है वो यहाँ पे क्या करता है। हालांकि ओपन AI को पता है कि चैट जीपीटी के पावर्ड अगर OS ये लोग बनाएंगे तो वो चीज यहाँ पे अभी सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि मार्केट में अभी थर्ड OS की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी ऐप के सेपरेट प्रोडक्ट का यूज करके लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल को ये बात पता है, बहुत तेजी से गूगल जेमिनी AI पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, डीप माइंड में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो भी एक AI पावर्ड OS यहाँ पे क्रिएट कर सके जो एंड्रॉइड बैकडोर, ताकि एक ऐसी रेस के अंदर हम कूद रहे, यानी कि फीचर फोन
हम स्मार्टफोन के ऊपर कूदे, लेकिन स्मार्टफोन के बाद हम AI पावर्ड फोन या AI स्मार्टफोन के ऊपर जा रहे हैं, और उस रेस में गूगल पीछे ना हो जाए तो ये बात है। और पता है उस रेस में कौन सी कंपनी यहाँ पे पीछे हो सकती है, जिसने स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन सच में लेकर आई थी, और वो थी एप्पल। एप्पल आईफोन लेकर आई, थर्ड पार्टी स्टोर्स लेकर आई, बहुत सारी चीजें करी एप्पल ने, लेकिन वो हार्डवेयर फोकस्ड थे। AI वाली चीज अभी भी जब तक वो क्रैक नहीं कर पा रहे, ये चीज उनको साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के बैठेगी। और हो सकता है कि अगर एप्पल वाले AI पावर्ड OS क्रिएट ना कर पाए तो वो OpenAI के साथ कोलैबोरेट कर ले, ChatGPT के साथ ले आए, क्योंकि सच बात बताओ एप्पल इंटेलिजेंस में पीछे ChatGPT लगा है। आज भी जो एटलस ब्राउजर उसने निकाला है वो भी मैक OS पे काम करता, तो एप्पल और OpenAI पीछे से काम तो यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि AI के ऊपर अगर डिपेंडेंसी बढ़े तो आईफोन भी OpenAI के साथ काम करके ये सारी फंक्शनलिटीज आईफोन के अंदर लेकर आए। देखने वाली बात होगी कि वो चीजें किस तरीके से काम करते, और ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉन एप्पल होगी, क्योंकि आमतौर पर एप्पल थर्ड पार्टी चीजों पर तरह करता नहीं, कुछ चीजें बनाता है, इनहाउस डेवलप करता है। अभी जो एंड्रॉइड वर्सेस iOS की बात कर रही है, AI OS की जो वॉर होती है और नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और अगर हम इसे और सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये रहेगा, हम इंसान के लिए आज के समय में जो इंटरनेट रहता है कई सारे लोगों के लिए वो व्हाट्सएप रहता है। लोग सिर्फ इंटरनेट समझते हैं व्हाट्सएप है, या यूट्यूब समझेंगे, या कुछ इंस्टाग्राम समझेंगे, दो तीन ऐप समझेंगे। और आने वाले फ्यूचर में जो AI OS होगा, ये गेटवे और एक प्लेटफॉर्म रहेगा पूरी दुनिया के लिए, जिसका यूज करके लोग यहाँ पे इंटरनेट कर पाएंगे अपने फोन से, तो ये एक बात रहेगी। और हाँ, ये ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ आपके मोबाइल फोन तक सीमित रहेगा, हम ये जो टेक्नोलॉजी रहती है ना AI OS की, ये हम बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हुए देखेंगे। ग्लासेस तो ऑलरेडी मार्केट में आना शुरू हो चुके, रेबन बेटा के एंड्रॉइड अपने लाने वाले हैं, सैमसंग का आने वाला है, एप्पल का भी आने वाला है। ग्लासेस कैटेगरी बहुत बूम करने वाली है। इसके अलावा रिंग कैटेगरी, ब्रेसलेट्स हो सकते हैं, AI पेंडेंट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको कहीं ना कहीं ये AI पावर्ड OS या AI प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि लैपटॉप्स या विंडोज PC का क्या होगा, यार वहां पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अपना Copilot ला चुका है, Copilot के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो चुका है। और विंडोज के जो फ्यूचर इटरेशंस आएंगे, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने Copilot प्लस PC को और इंटीग्रेट करेंगे, और एजेंटिक AI, AI एजेंट जैसी चीजें विंडोज में ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर फाइल ब्राउजर के अंदर AI का यूज करके समरी निकालना, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह को अरेंज करना, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो भी Copilot विजन का यूज करके एनालाइज करना कि आप यहाँ पे क्या चीज कर रहे हो और किस तरीके से और बेटर कर सकते हो, ये चीजें ऑलरेडी इंटीग्रेट होना शुरू भी हो चुकी है। यानी कि अभी हम जो एक नेक्स्ट वेव देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहां पे एक बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन AI होगा, और जो ऑन डिवाइस AI चीज रहेगी ना, ये इसको और ज्यादा आगे लेकर जाएगी। देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है AI पावर्ड डिवाइसेस, AI OS का, एजेंटिक AI का, देखने वाली बात होगी ये भी। तो दोस्तों यार, ये कुछ कहानी होती है आज के समय में। अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी नया जाना हो, कुछ भी सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।